करते हैं। और हम लोग बीते सप्ताह, बहुत दिन हो गया है, हम लोग देख रहे थे आराधक के विषय में, आराधना के विषय में, और परमेश्वर कैसे आराधकों को खोजता है, आराधना क्या है। और हम लोग ने सब चीज़ को छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा करके देखे थे हम लोग सब बातों को। अभी जैसे हम लोग पाएंगे कि पढ़े रहे हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को एक आराधक बनाना चाहता है जो उसके लिए जिए, उसके साथ रहे। तो हम लोग देखेंगे इस सब्जेक्ट को। शुरू करने से पहले मैं आप लोग को बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिएगा और अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है, मसीही ग्रुप है, उसको भेजिएगा, और इस बात से परमेश्वर की महिमा हो। हम लोग देखेंगे एक आराधक का स्वभाव क्या होता है। पहले हम लोग एक टॉपिक पे देखेंगे कि आराधक का स्वभाव और आराधक का काम, ये दो चीज़ को हम लोग देखेंगे कि ये क्या होता है। पहला चीज़ कि आराधक का स्वभाव कैसा होना चाहिए, उसके विषय में जब हम पढ़ते हैं मत्ती 5:1-12 जब हम लोग पढ़ते हैं 12 तक, तो वहाँ पे लिखा गया है यीशु मसीह का ये पहाड़ी उपदेश है, जो बहुत क्या बोले गंभीर विषय भी बोलेंगे उसमें। यीशु मसीह ने जो उपदेश दिए हैं वो बहुत ही अनमोल और कीमती है। और आगे चल के जब पौलुस भी लिखता है तो उन्हीं बातों में से मिला के और भी चीज़ को वो पाता है और परमेश्वर के वचन को वो देता है, परमेश्वर उनको और बातें भी सिखाता है। तो जब हम लोग देखते हैं मत्ती 5:2-12 तक, वहाँ में जो बातें लिखी गई है वो हम लोग बोल सकते हैं कि एक परमेश्वर के लोगों का वो स्वभाव होना चाहिए। एक सच्चा आराधक के हृदय में, जो एक सच्चे आराधक को परमेश्वर आशीष देता है, वो आशीष ये आशीष है, कोई और आशीष नहीं। ज़रूरी नहीं कि वो आराधक बहुत सुंदर दिखता होगा या वो आराधक के पास बहुत पैसा होगा तो बहुत परमेश्वर का अच्छा दास है, या फिर वो जो भी हम लोग बोलते हैं ना, जो भी सांसारिक आशीषों को देखते हैं वो नहीं। पर परमेश्वर बोलता है कि अगर वो व्यक्ति इन सब स्वभाव में अपने आप को ढाला हो तो वो आशीषित है, और वो सचमुच आशीषित है। और एक आराधक को वैसे आशीषों का से लदा हुआ होना चाहिए, वैसे आशीषों से भरा हुआ होना चाहिए एक आराधक को। तो हम लोग देखते हैं वो आराधक लोगों का स्वभाव। पहला, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हम पढ़ रहे हैं मत्ती 5:3-4। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। 6, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि उस स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। जब हम लोग 11:12 हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इस 3-10 जब हम लोग पढ़ते हैं 10 तक में, तो हमें पता चलता है एक मनुष्य की परमेश्वर के तौर पर दिया गया आशीष कोई धन, कोई संपत्ति, ये सब नहीं है। पर एक सच्चा आशीष बोलेंगे कि वो अपने मन में दीन है, वो शोकित है, वो शोक करता है। और हम इसके विषय में थोड़ा थोड़ा देखेंगे इस विषय में कि ये मन में दीन होना, शोक करना, नम्र होना, धार्मिकता का भूखा प्यासा, दयावंत, मन का शुद्ध होना, ये सब बातें में भी बहुत सारी बातें हैं। और हम इसको कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे करके करें, पर मैं अभी ऊपर इस बात को लेकर जाता हूँ क्योंकि आराधक का टॉपिक है और हम लोग देखेंगे कि उसमें स्वभाव क्या है। पहली बात, आराधक का स्वभाव रहता है कि वो मन में दीन है। इंग्लिश में पढ़ेंगे ब्लेसेड आर दोज आर द पुअर इन स्पिरिट, जो आत्मा में गरीब है। आजकल मसीही लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा धनवान समझते हैं वचन के मामले में, कि मेरे से ज़्यादा ज्ञान किसी को नहीं होगा, यहाँ तक कि अगर परमेश्वर भी आ जाए तो शायद वो भी उसको समझा देगा, परमेश्वर को ही समझा देंगे, वचन का इतना ज्ञान है। आत्मिकता का घमंड, परमेश्वर बोलता है तुम्हारे अंदर में वो दीनता होना चाहिए कि प्रभु मैं एक दूसरे को अपने से अच्छा समझूं, एक दूसरे को अपने से अच्छा समझूं, अपने से आगे समझूं और उनके लिए प्रार्थना करूं। यहाँ पे फिलिपियों में लिखा है कि अपने हर एक दूसरे से अपने को, मतलब एक दूसरे को अपने से अच्छा समझूं, एक दूसरे के साथ मेल प्रेम से रहूं। मन में दीनता का ज़रूरी है, क्योंकि जब हम स्वर्ग राज्य में रहेंगे तो परमेश्वर की नज़र में हम सब एक हैं, कोई भी बड़ा नहीं, कोई भी छोटा नहीं। जब हम शोक के विषय में देखते हैं तो जो आराधक होता है उसका स्वभाव में शोकित कैसा रहेगा,
जब हम लोग कुरुंथियों में पढ़ते हैं वहाँ पे बाइबल बोलती है कि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जो उद्धार लाता है, जिससे लज्जा नहीं होता, जिससे एक सच्चा पश्चाताप उत्पन्न होता है और जो उद्धार का कारण होता है। अगर एक आराधक के विषय में जब हम इस पॉइंट को देखेंगे, चार पॉइंट को, बाइबल बोलती है कि वो ऐसा आराधक होना चाहिए जो शोकित होता हो, किस बात पे, अगर वो पाप करे। एक आराधक के जीवन में ज़रूरी है कि वो प्रतिदिन अपने आप को वचन से जांचे 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 और अपने आप को परमेश्वर के नज़दीक लेते आए, ये ज़रूरी है। और प्रतिदिन जब वो अपने जीवन में पाप देखता हो तो वो शोकित हो, वो रोए कि परमेश्वर हम तेरा दिल तोड़े, मेरा भी दिल तोड़ो, क्योंकि उसका दिल परमेश्वर से जुड़ा हुआ है। एक सच्चा आराधक का स्वभाव उसको उसके परमेश्वर से मिलता है जिसकी वो आराधना कर रहा है। जब मेरे दादू मूर्ति पूजा करते थे और तरह तरह का चीज़ करते थे, तो एक बार हॉस्पिटल में एडमिट थे तो वो मुझे बोल रहे थे कि देखो ऐसा वैसा वैसा, धर्म को धर्म बता रहे थे। पर मैंने उनको यही बात बोला कि मेरे फिर भैया लोग के बारे बोल रहे थे कि वो लोग ऐसा किए वैसा किए, तो मैंने उनको एक बात बोला कि आप जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं वो परमेश्वर जो आप वो लोग किया है वही आप भी करेंगे। वो लोग क्या किए, घात के, नाश के, नष्ट के, आप भी वही करेंगे। आपस में लड़ेंगे, झगड़ेंगे, बैर रखेंगे, जलन रखेंगे, छल कपट करेंगे, वही सब करेंगे, क्योंकि आप उसी परमेश्वर की आराधना करते हैं, जबकि वो परमेश्वर है नहीं, आप उस चीज़ की आराधना कर रहे हैं। पर मसीही लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ, आप जिसकी आराधना कर रहे हैं वो परमेश्वर का स्वभाव, वो परमेश्वर का आचरण आपके हृदय में आना चाहिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये नम्र बनना कि परमेश्वर का इकलौता पुत्र जो स्वर्ग का महिमा को छोड़कर हमारे लिए नम्र होकर चरनी में पैदा हुआ, वो शून्य हो गया, फिलिपियों में बोला गया है, अपने आप को शून्य कर लिया, हमको महिमा में बदलने के लिए, हमारे देह को, हमारे मन को, हमको बदलने के लिए, वापस से परमेश्वर से मेल करने के लिए परमेश्वर अपना हर एक चीज, महिमा को त्याग दिया, सब चीज को त्याग कर हमारे लिए इस पृथ्वी पर है, ताकि हम उनसे सीख सके। और जब हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं तो क्या हम लोगों को देना नहीं जानते, हम लोगों का उपकार नहीं करते, हम लोगों का हेल्प नहीं करते, हम लोगों का मदद नहीं करते? क्यों? क्योंकि हमारे दिल अभी तक परमेश्वर से जुड़ा ही नहीं है। अगर हमारा दिल परमेश्वर से जुड़ा रहता तो हम हर एक बात में एक दूसरे से प्रेम रखते, जैसे यीशु मसीह ने बोला कि आपस में प्रेम करो, इसी से लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। जब हम पढ़ते हैं आगे में मत्ती 5:6 में, यहाँ लिखा, धन्य वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। एक सच्चा आराधक भूखे और प्यासे होकर परमेश्वर के वचन को ढूंढता है, उस धार्मिकता को ढूंढता है जिसमें परमेश्वर हम अपने आप को प्रकट करता है मसीह के द्वारा। और जब उस धार्मिकता और भूखे का प्यासे रहेंगे वो आराधक लोग, परमेश्वर बोलता है हम उसको तृप्त करेंगे। मैं नहीं जानता आप कहाँ से सुन रहे हैं, पर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप किसी भी जगह से सुन रहे हैं, चाहे वो इधर का हो, चाहे झारखंड का हो, या कहीं से भी आप लोग सुन रहे हैं ये वचन को YouTube में, तो मैं बोलना चाहता हूँ कि क्या आप सचमुच धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं? क्योंकि बाइबल बोलती है अंतिम समय में लोग अधर्म के द्वारा अपना पहला प्रेम खो देंगे, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। क्या आपका भूख और प्यास धार्मिकता को लेकर बढ़ता जा रहा है कि आप भी ठंडे होते जा रहे हैं धार्मिकता को लेकर, परमेश्वर की पवित्रता को लेकर? कल मैं अपने दोस्त लोग से बात कर रहा था, हम लोग वही पढ़ रहे थे वचन में, तो मैंने उसको उन लोग को बताया कि हम लोग का सबसे पहला बुलाहट मिनिस्ट्री के लिए नहीं है, हम लोग का सबसे पहला बुलाहट वचन जाके प्रचार करो इसके लिए नहीं है, हमारा सबसे पहला बुलाहट है पवित्र बनो, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। पहला बुलाहट पवित्रता के लिए है। क्या आप उस पवित्रता के भूखे और प्यासे हैं? क्योंकि बाइबल बोलती है वैसे लोगों को परमेश्वर तृप्त करेगा। एक सच्चा आराधक नम्रता के साथ अपनी गलतियों को मानते हुए और परमेश्वर के भय में धार्मिकता और भूखे धार्मिकता का भूख और प्यास में आगे बढ़ता है। नम्रता कैसी है? मैं बोलना चाहता हूँ कि जो नम्र लोग हैं वो किस प्रकार के नम्र है। बहुत जन बोलते हैं कि मैं कर ही नहीं सकता, मुझसे होगा नहीं, मेरे बस का बात नहीं है, ये बोल के टाल देते हैं। नम्रता, सच्ची नम्रता ये नहीं है। सच्ची नम्रता ये है कि परमेश्वर मुझसे कुछ नहीं होगा, पर अगर तुम बोलोगे तो हम करेंगे। बहुत सारे लोग अपनी कमजोरी में घमंड करते हैं, पर पौलुस बोलता है कि मैं मसीह में घमंड करता हूँ, मसीह में, कि हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते बोल के हम लोग घमंड करते कि छोड़ो हम नहीं करेंगे।
पर मसीह अगर आपको बोले तो आपको करना पड़ेगा, यही आपकी नम्रता है, सच्ची नम्रता। क्या आपने दया किया? क्या आपने लोगों को क्षमा किया? जब मत्ती 5:7 में पढ़ते मालिका, जो दयावंत हैं उन पर दया की जाएगी। क्या आराधक लोग, अगर आप अपने आप को आराधक मानते हैं तो क्या आप अपने जीवन में देखें कि आपने किन क्षेत्रों में लोगों पर दया की? हम सबसे जल्दी और सबसे ज़्यादा दया एक ही जन पे करते हैं, वो हम खुद हैं। हम अपने आप को जल्दी माफ़ भी करते हैं, अपने आप को बहुत दया से भी भरते हैं, हम लोग दया दिखाते हैं अपने आप में, पर लोगों के विषय में नहीं, हम क्रूरता रखते हैं, घृणा रखते हैं। बाइबल बोलती है जो दया करेगा उस पर दया किया जाएगा। अगर आप अपने अपराधियों के अपराध को क्षमा नहीं करोगे, अगर आप माफ़ नहीं करोगे, तो परमेश्वर बोलते हैं कि मैं भी तुम्हारे अपराध को माफ़ नहीं करूँगा। इसलिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट है आराधक के जीवन के लिए कि वो परमेश्वर के भय में रहते हुए लोगों से प्रेम करे। कई बार हम लोग दिखावा वाला प्रेम हो जाता है, दिखावा। एक सच्चा आराधक कभी भी दिखावा नहीं करता, किसी भी बात में दिखावा नहीं करता। धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, वो परमेश्वर को देखेंगे। और एक सच्चा आराधक अपने जीवन में परमेश्वर को देख पाएगा। कैसे देख पाएगा? वचनों के द्वारा। जब वो वचन पढ़ेगा, वो परमेश्वर को देख पाएगा अपने जीवन में काम करते हुए। एक स्टेटस में देख रहा था, वहाँ पे लिखा था इंग्लिश में कि बोला जा रहा था कि परमेश्वर, हम नहीं जानते पर भी परमेश्वर काम कर रहा है, हम नहीं देख सकते तब भी परमेश्वर का काम हो रहा है, हम नहीं कर रहे तब भी कोई ना कोई परमेश्वर का काम कर रहा है। परमेश्वर अपने लोगों का काम करता है, और परमेश्वर अपने लोगों के लिए भी काम करता है, अपने लोगों से काम करवाता भी है और उसके लिए भी काम करता है। क्योंकि बाइबल बोलती है जो दूसरों की खेती सींचता है, परमेश्वर उसकी खेती सींचेगा। अगर एक आराधक दूसरे के जीवन में अच्छा कुछ बो रहा है, एक भलाई कर रहा है, उसके लिए प्रार्थना का भेंट परमेश्वर के सामने चढ़ा रहा है, उसके लिए प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर उसके लिए भी बोएगा, परमेश्वर भी उसके लिए काम करेगा। तो मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर के आराधक के लोग, जो लोग परमेश्वर की आराधना करते हैं, वैसे लोग परमेश्वर के स्वभाव में प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं। और ये सब स्वभाव है एक बिलीवर का, एक विश्वासी का, ये सब उसके जीवन में ये सब होना चाहिए। जब हम पढ़ते हैं, अब काम के विषय में जब हम पढ़ते हैं, तो हम लोग एक बात देखेंगे कि एक आराधक के जीवन में एक ही काम होता है कि उसका पहला प्रायोरिटी परमेश्वर होना चाहिए, पहला प्रायोरिटी परमेश्वर, फिर उसके बाद कोई और चीज़। और जब एक आराधक आराधना करता है, तो वो सबसे पहले परमेश्वर से जुड़ा हुआ, पर्सनली रूप में, पर्सनल लाइफ में वो क्या परमेश्वर से जुड़ा हुआ, ये इम्पॉर्टेंट है। कितना अच्छा गाता है, क्या वर्ड गा रहा है, वो मैटर नहीं करता, क्या उसका पर्सनल लाइफ परमेश्वर से जुड़ा हुआ है कि नहीं। जब मैं एक पास्टर से बात कर रहा था, भैया है मेरे, उससे मैं बात कर रहा था, मैं उनको बोला था कि मुझे बताइए मैं आगे का क्या पढ़ाई का करूँ वगैरह वगैरह, भाई मैं अपना सजेशन बता रहा था कि मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूँ, तो आप कुछ बताइए, मुझे काउंसलिंग करिए। तो उन्होंने मुझसे एक बात बोला कि परमेश्वर से पूछो। मैं बोला आप बताओ, तो बोलते नहीं परमेश्वर से पूछो। और मैं जब वापस आया, मैं सही में सोचा कि परमेश्वर मैं किस पे भरोसा रख रहा हूँ, क्या मैं तुझ पे भरोसा रख रहा हूँ या उस भैया पे कि मैं पूछूंगा तो वो मुझे आइडिया देंगे या मेरा हेल्प करेंगे। जब परमेश्वर हमारी ओर है, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? परमेश्वर हमारी सुनेगा। हमें ज़रूरत नहीं है प्रॉफिट्स के पास जाने का, हमें ज़रूरत नहीं है कि बहुत अच्छे ज्ञानवान लोगों के पास जाने का, हमें ज़रूरत है हमारे परमेश्वर के पास वापस लौटने का, हमें ज़रूरत है कि हम अपने चरवाहा का आवाज़ को समझने का। और जैसे भैया बोले, फिर मैं प्रेयर में गया, प्रेयर किया, मुझे परमेश्वर का शब्द मिला, मैं समझा परमेश्वर ने मेरे जीवन से बात किया। क्या होता है कि हमारी आदतें बदल जाती हैं, हम जिस रूप से, सरल रूप से, हम परमेश्वर के पास जाना नहीं चाहते, जैसे इजरायली लोग नहीं चाह रहे थे। एक सच्चा आराधक परमेश्वर के करीब आने से कभी नहीं डरेगा, और उसको परमेश्वर के करीबी में सुकून मिलेगा, शांति मिलेगा। जब भजन संहिता 91 पढ़ते हैं, जो लिखा है, जब जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। वो है आराधक का जीवन, वो है आराधक का जीवन जो परमेश्वर के पवित्र स्थान में बैठा रहना चाहता है, जो परमेश्वर को निहारना चाहता है। और परमेश्वर उसके जीवन के द्वारा बहुत सारे फल को लाता है, और वो एक महिमा का पात्र बनता है, जिससे परमेश्वर की महिमा होती है। आइए अपने जीवन को वैसा बनाए कि परमेश्वर हमसे महिमा ले सके, और हमारे जीवन में परमेश्वर को काम करने दीजिए, ताकि वो सारे स्वभावों को, सारी आशीषों को जो हम पढ़ें, वो सब जो आशीष हैं, वो हमारे जीवन में फलवंत होने पाए। इसके लिए हम लोग
परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे अपने व्यक्तिगत जीवन में। आप सभी को जय मसीह की। धन्यवाद।